नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुपर फास्ट ट्रिक लेकर गया हूं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप सबको इसके पहले यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आइए देखते हैं वह सुपर फास्ट ट्रिक है क्या। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त, जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन है, यदि पी बराबर दिया हो 15 तो हमें निकालनी है पी इंटू पी प्लस टू प्लस वन इजकल टू व्हाट, ये निकालना है। तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना, ब्रैकेट में रहता है कोई भी तो उसमें मल्टीप्लाई ही किया जाता है। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस, इसमें करेंगे तो क्या होगा 2p होगा और प्लस वन हो गया, इसको भी रूट में डालेंगे। ठीक है, तो आप सबको मालूम होगा, पहले बता चुके हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर p का है तो यहाँ पर p प्लस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो p का होल स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन होगा, इसके बराबर इतना होगा। तो दोस्तों ध्यान दें कि इसके बराबर इतना होता है पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, तो इसके बराबर इतना तो होगा ही, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको रूट में डाल करके इसके जगह पर ये चीज लिखेंगे पी प्लस वन का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो बचे कितना पी प्लस वन बच गया, इतना बचा ना। तो याद रहे कि यहाँ पर प्लस में आता है इसका आंसर तो इसमें एड होगा, अब माइनस में आता है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, घटाया जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आया है तो पी बराबर 15 प्लस वन यानी कि पी बराबर कितना हो गया 16 हो गया आया। चलिए इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दूसरा, यदि p बराबर 11 हो तो हमें निकालनी है p इंटू पी माइनस टू प्लस वन, इसका वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना होगा पी स्क्वायर, फिर इसमें इससे करेंगे तो कितना होगा माइनस टू पी प्लस वन। तो ये तो हमको लग रहा है कि इस सूत्र पे चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी माइनस वन का होल स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन, आया ना इतना। तो दोस्तों ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन के बराबर पी माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, तो हम इसको इसके जगह पर लिख देंगे पी माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। अब स्क्वायर से रूट तो कट ही जाता है ना, तो बचा कितना पी माइनस वन, इतना बचा। तो याद रहे कि यहाँ पर माइनस में आंसर आता है तो यहाँ पर माइनस होगा, जोड़ में आता है तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर पी बराबर 11 है तो यहाँ पर माइनस कम करेंगे तो पी बराबर कितना होगा 10 आंसर इसका, यानी कि इसका आंसर जो होगा कितना होगा 10 होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, p इक्वल टू 125 तो अंडर रूट p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1, ये सब रूट में है इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां पर 3 तो लिखेंगे, 3 से हमको यह मालूम चल रहा है कि घनमूल दिया हुआ है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू होगा, फिर इसमें इसे करेंगे तो क्या होगा प्लस 3p स्क्वायर, फिर इसी में इसे करेंगे तो क्या होगा प्लस 3p और प्लस 1। तो दोस्तों याद रहे है ना कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पी एस पी क्यू प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यू इजकल टू होता है a प्लस बी का होल क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू
ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो इस यहीं से काम चल जाएगा, ठीक है, यहीं से काम चल जाएगा। तो दोस्तों याद रहे कि यहाँ पर जैसे कि हमने p माइनस पी प्लस वन का होल स्क्यू करते हैं तो होगा क्या, पी क्यू प्लस क्या होगा, वन क्यू प्लस थ्री ए थ्री पी थ्री पी प्लस, चाहे चलिए इसको इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दें यहां पर वन का होल क्यू और पी का होल क्यू बराबर पी प्लस वन का होल क्यू ही होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में लेकर चलते हैं, पी प्लस वन का होल क्यू, तो क्यू से ये कट गया, बचा कितना पी प्लस वन बचा, तो प्लस में है तो इसमें इंक्लूड करेंगे जोड़ेंगे, और माइनस में है तो इसको घटाएंगे, तो क्या होगा पी बराबर 125 प्लस 1 यानी कि 126, ये आपका आंसर आया निकल करके। चलिए ठीक, इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी 4 है तो देखेंगे क्या करना है, यदि p बराबर दिया हुआ है 99 तो इसमें ध्यान दें कि दोस्तों करना कुछ नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पर 1 है, x प्लस 1 का पावर 4 कर देंगे, 4 से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 4 है तो बचा कितना, कितना बचा x प्लस 1, x प्लस 1 ठीक है, तो यहाँ हम x कर सकते हैं कोई बात नहीं, यहाँ x है तो x कर सकते हैं, p है तो यहाँ भी चीज रहता है, तो यहाँ पर याद रहे प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में है तो p इजकल टू 99 प्लस 1 इजकल टू p इजकल टू कितना हुआ 100 हुआ, ये आपका आंसर निकल के आया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे भी सुपर फास्ट ट्रिक लेकर के आऊंगा, है ना, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।